बस सबकी खुशहाली की दुआ की है, बेटे के लिए, बेटी के लिए, नवासे के लिए, बीवी के लिए, अपने खानदान के लिए, दोस्तों के लिए। ख्वाजा साहब से हमने इल्तिजा की है, सेहत अच्छी रहे, काम चलता रहे, बाइज्जत तरीके से हमारी रोजी रोटी चलती रहे, अच्छी सेहत रहे, अच्छे आमाल रहें, यही हमने इल्तिजा की है ख्वाजा साहब से। ये तो सबसे मुकद्दस और पाक सरजमीन है, हर बंदा जो यहाँ आता है वो कभी खाली हाथ जाता नहीं है, लेकर जाता है, खाली हाथ आता है लेकिन खाली हाथ जाता नहीं है। और यही वजह है कि इतने ज़ायरीन जो हैं, लातादाद ज़ायरीन आते हैं। और क्योंकि रमज़ान का मुकद्दस महीना है, दूसरा रोज़ा है, और इस मुकद्दस महीने में आना अपने आप जो है एक बहुत ही बसीरत अफरोज़ बात है। और हमारे भाई कुतुबुद्दीन साहब जो बॉलीवुड में बहुत मकबूल हैं, जो भी बॉलीवुड से आता है कुतुबुद्दीन साहब से ज़रूर आप रابطہ कायम करता है, और माशाल्लाह बहुत अच्छी आप ज़ियारत करवा देते हैं सबको। तो बस यही दुआ है, यही इल्तिजा है कि बस बार बार यहाँ आकर हम अपना सर तस्लीम खम करें यहाँ आकर, और बारगाह इलाही में, ख्वाजा साहब की दरगाह में बस यही दुआ करेंगे कि अच्छे हमारे आमाल रहें, अच्छी सेहत रहे, और अल्लाह ताला साथ इज्जत के हमें रोटी बख्शता रहे। मेरा बेटा अली मुराद अभी फिल्मों में कोशिश कर रहा है, बस उसके लिए भी मैंने बहुत दुआएं की हैं, आज के ख्वाजा साहब से दरख्वास्त की है उसकी कामयाबी की, उसकी सेहतयाबी की, सबकी। जी जी।